क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट को न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है बल्कि इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया में 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन अमेजन रेन फॉरेस्ट में होता है। वर्षावन पृथ्वी के सबसे पुराने निरंतर पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में खोदकर और परिवर्तित करके हमारे लिए वैश्विक पर्यावरण के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्से में फैले हुए हैं, लेकिन दक्षिणी कोलंबिया की एक नदी के किनारे से देखें तो पता चलता है कि वर्षावन किस मुश्किल में है। हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड बड़े से बड़ा पेड़ गिरकर धराशायी हो जाता है। 50 टन भारी बढ़िया लकड़ी इस गैरकानूनी तस्करी के सब पैसे कमाते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। 70 के दशक के बाद यहाँ भारी मात्रा में जंगलों की कटाई की जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक 1977 से 2005 के बीच अमेजन में हर साल 10,000 वर्ग किलोमीटर जंगल काटे जा रहे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारी पृथ्वी संकट में आ जाएगी। प्रदूषण का लेवल इतना हो जाएगा कि जितना कि फ्लाइंग जेट मूवी में बताया गया है। अगर आप और हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें पेड़ों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में प्रदूषण इतना फैल गया है कि शहर में रहना अस्पताल में रहने के लायक हो गया है। पता नहीं कितनी लाइलाज बीमारियाँ फैल रही है। हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिजीव लोग माने जाते हैं। हमें अपनी पृथ्वी का राजकुमार कहा जाता है। इसको संवारना और बिगाड़ने का काम हमारा ही है। यदि हम इसको संवारेंगे तो ये हमें वरदान के रूप में बहुत कुछ देगी और बिगाड़ेंगे तो ऐसा तमाचा पड़ेगा कि कोरोना जैसी और भी खतरनाक बीमारियां हमें घेर लेगी। दुनिया मानती है कि चीन ने कोरोना फैलाया है, परंतु मेरा मानना है कि ये पृथ्वी का हम पर वो तमाचा है जिससे वह हमको बताना चाहती है कि संभल जाओ वरना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी। अगर नहीं संभले तो बाद में बड़ा पछतावा होगा। अभी नहीं संभले तो बाद में बड़ा पछतावा होगा। जब पेड़ काटे तो बाद में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाकर जाना। देखता हूँ कि कितने लोग पेड़ से प्यार करते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सभी लोग संभल जाए वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। इसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।